हेलो दोस्तों, वेलकम टू चापड़ीज। मैं अशोक एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि निफ्टी जो अभी 17,661 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, क्या ये 18,000 का ये जो रेजिस्टेंस लेवल है 18,000-18,050, इस बीच में जो ये रेजिस्टेंस ले रहा है, इस रेजिस्टेंस लेवल को ये तोड़ के ऊपर जा पाएगा या फिर यहाँ से ये वापस और नीचे की ओर आएगा, तो इसका जो है आज की इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ऑलराइट दोस्तों, तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये निफ्टी का चार्ट ओपन है ना, और यहाँ पे अभी जो है निफ्टी जो है 17,661 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और फिलहाल जो है ये रेड कैंडल बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल है 18,000-18,050, ये जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे जो है यहाँ पे लेवल प्ले कर रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है इस जगह में भी जो है पहले इसने रेजिस्टेंस लिया था और यहीं से देखिए ये नीचे की ओर यहाँ तक आया, वापस फिर थोड़ा ऊपर गया, वापस फिर यहाँ तक आया, उसके बाद यहाँ से जो इसने अप ट्रेंड पकड़ा ठीक इसी लेवल पे गया जिस लेवल पे पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया था 18,000-18,050। इस लेवल पे जहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था उसी जगह से देखिए ये वापस नीचे की ओर आया, फिर यहाँ तक आने के बाद एक बार और कोशिश की इस लेवल को तोड़ने की, वापस फिर रेड कैंडल बन गया, उसके बाद फिर एक बार और कोशिश की, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, देखिए एक बार और कोशिश की, उसके बाद फिर जो है ये बड़ा सा जो है यहाँ पे रेड कैंडल बन गया है। अब ये जो रेड कैंडल है इसकी क्लोजिंग जो है ये 20 पीरियड मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे हुई है और इसके नीचे तक आ गया है। तो अब यहाँ से क्या पॉसिबिलिटीज बनती है इसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो मंडे को यानी कि कल 19 है, तो कल जब मार्केट ओपन होगा, कल 19 सितंबर है 2022, तो कल जब ये मार्केट ओपन होगा तो अगर नेक्स्ट कैंडल कल भी रेड कलर का बनता है और वो कैंडल जो है इस लेवल को ब्रेक करता है 17,000, इसका ये जो अभी जो कैंडल बना है रेड कलर का, इसकी क्लोजिंग जो है 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे हुई है और इसका जो लोअर बना है ये बना है 17,500 समथिंग, तो कल जो नेक्स्ट कैंडल ओपन होगा अगर वो रेड कैंडल ही होता है और वो जो है इस जो इसका जो लोअर है 17,500 इसको ब्रेक करता है और इसके नीचे आता है और नीचे आने के बाद उसकी क्लोजिंग भी नीचे लेता है, तो फिर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये होगी कि शायद निफ्टी का प्राइस 17,250 तक आए और यहाँ से फिर जो है ये 17,000 तक आ सकता है, फिर 17,000 पे जो है ये 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो पॉइंट है ये फिलहाल यहाँ पे है 17,700 के आसपास, तो यहाँ पे फिर जो है ये वापस सपोर्ट ले सकता है और ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो ये तो हुई पहली सिचुएशन। अब जो दूसरी सिचुएशन है वो ये है, मान लीजिए कि कल मंडे को जो है यहाँ पे रेड कैंडल के बजाय ग्रीन कैंडल ओपन होता है और वो ग्रीन कैंडल ओपन होता है तो वहाँ पे अब दो सिचुएशन बनेगी। पहली सिचुएशन ये कि ग्रीन कैंडल बनने के बाद ये सीधे ये 18 ऊपर की ओर जाए और 18,000-18,050 के लेवल को ब्रेक करे और वापस ऊपर की ओर अपना जो अप ट्रेंड है इसको कंटिन्यू करे, ये पहली सिचुएशन हो सकती है। और दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि ये यहाँ से ग्रीन कैंडल बनेगा और ग्रीन कैंडल बनने के बाद ये इस लेवल को भी ब्रेक नहीं करेगा और इस लेवल के नीचे भी नहीं आएगा और यहाँ पे रेंज बाउंड हो जाएगा आने वाले 2-3 दिनों के लिए, और 2-3 दिन तक रेंज बाउंड होने के बाद फिर वापस या तो फिर ये डाउन साइड ब्रेक होगा या तो फिर अप साइड ब्रेक होगा। तो ये दो सिचुएशंस यहाँ पे हो सकती है। तो कल मंडे का डे बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होने वाला है निफ्टी के लिए, ये देखने के लिए कि क्या ये इसका जो लोअर है 17,500 इसको ब्रेक करके नीचे आता है या नहीं आता है, क्योंकि यहीं से ये इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी कि ये डाउनसाइड जाएगा या नहीं जाएगा। तो ये था इसका टेक्निकल एनालिसिस दोस्तों निफ्टी का। तो कल मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो आप इस टेक्निकल एनालिसिस को ध्यान में रखिएगा और इस आधार पे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाइएगा कि आपको अपसाइड ट्रेंड करना है, डाउनसाइड ट्रेंड करना है या फिर रेंज बाउंड मार्केट होता है तो फिर आपको वेट करना है। ठीक है,
तो ऑलराइट दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी और ये आपको अपने टेक्निकल एनालिसिस करने में आपके लिए हेल्पफुल हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।